अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्लियर करवा दो। हाँ तो कौन आ रहा है? सबको आते हैं। आओ ना, हम तो बना ना, गेट पे तो यही खड़े हैं। चलो अरे तू आ जा, बोलो ये है कि क्यों नहीं। चलो भाई ले लो भैया, आ गया वो डालना है, डाल दे क्या? आईडी पेपर वोट डलवा सुनवा, आईडी चेक करके वोट डलेंगे किसी के भी, कोई भी हाल चलवा जो गड़बड़ कर दिया उसको हटा। अधिकारी आए, चाचवाड़े भी खिलाए गए हैं। अधिकारी आए, मैं बुला रहा हूँ एटीएम को, आप चुप। अपन को आपत्ति, अपन को मतदाता क्रमांक बिना आईडी के चिंता नहीं, शांति शांति, अपना वोटिंग चल रहा ना, वोटिंग ना करना जो आप क्लियर भी पहुंचाए, अधिकारी पहुंचाए, अधिकारी पहुंचाए। अभी पांच ये वाला पोलिंग जब तक इसके निराकरण होगा तब तक कोई वोट नहीं डालना। ये पुलिस पक्ष से बात कर रही है, सत्ता के साथ है पुलिस। पुलिस का कोई रवैया अच्छा थोड़ी है ये। दीपक इनकी बात क्या मामला हुआ था, क्या घटना हो रही है? भैया मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मेरे ब्लॉक का वार्ड है पोलिंग नंबर 363। यहाँ पे मेरे को इनकी खबर मिली थी अपने पोलिंग एजेंट की, यहाँ पे मतदान कुछ लोगों ने आके अवरुद्ध करा दिया, कम से कम 25-30 लोग बूथ पर भरा था, उसको लेकर यहाँ पर आया था, और बाकी यहाँ ये पाया कि 30-40 लोग अंदर थे। बीजेपी ने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाए तो वो पीठासीन अधिकारी से बात करें ना, वो यहाँ पे पोलिंग बूथ पर दादागिरी करने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, अभी आपसे लोग डर के जा रहा है, बाहर जा रहा है। आपका नाम? इम्तियाज शेख। तो क्या मामला, कैसे बात करते? यहाँ पर एक कर्मचारी जो इस मतदान केंद्र पर जिसकी ड्यूटी थी उसके बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी, वो बिना आईडी देके लोगों को वोट करवा रहा था। चूँकि अल्पसंख्यक बाहुल्य मतदान केंद्र है, वो स्वयं भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने जब ट्रेस किया और उस सबूत के साथ उनको पकड़ा, हमने यहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम को बताकर मतदान की कार्रवाई को रुकवाया है, और मांग की है कि उस कर्मचारी को चेंज किया जाए जो मतदान केंद्र के अंदर लोगों को प्रेशराइज कर रहा है, दो नंबर पर बटन दबाइए, दो नंबर पर बटन दबाइए। कौन था वो कर्मचारी, कौन सा यूनुस करके कर्मचारी है, उसने यूनुस खान। भैया लगातार देखना है, दूसरा मामला सामने आया था इसके पहले भी, मतदान के लिए घटना सामने आई थी। देखिए ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, इसमें कर्मचारी जिस प्रकार से कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हैं वो गलत है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं निष्पक्ष रूप से मतदान हो, आम जनता आम पब्लिक जिसको चाहती है उसको चुनेगी, और निश्चित रूप से सबके मन में मोदी बसे हुए हैं, मोदी ही आएंगे। यहाँ आपत्ति ये थी कि जो यहाँ पर एक मतदान दल में से कुछ लोग हैं वो बिना पहचान के वोटिंग करा रहे हैं,
पक्षपातपूर्ण करा रहे हैं। चूंकि ये जांच का विषय है, हम तत्काल मतदान को रोक नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने उनकी जगह पे रिजर्व दल में से किसी को लगा दिया। मैंने देखा गया एक के बाद एक चौथी तीसरी चौथी कार्रवाई है, क्या मानती है? आपत्ति लगाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आपत्ति लग सकती है, उसमें हम निर्णय जैसी भी स्थिति बनती है उस अनुसार निर्णय लेते हैं। पीटरसन अधिकारी मैम चेंज किया है जी, अब वो मुझे ये देखना है कि मतदान दल में से कौन व्यक्ति हमने पीटासीन किया है या P1 P2 P3 कौन चेंज किया है, लेकिन हमने जो संबंधित जिसके खिलाफ शिकायत थी उसको हमने अभी चेंज किया है। जांच का विषय है ये बात का है, लेकिन तत्कालीन तौर पे मतदान प्रभावित ना हो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने रिप्लेस किया। मैडम यहाँ पे कितने देर मतदान प्रभावित हुआ? जी मैं आई हूँ उसके बाद तो 5 मिनट में खुल गया, उससे पूर्व की मुझे जानकारी।